मैंने गत शुक्रवार को मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को बुला के इस विषय में मीटिंग ली। हालांकि काफ़ी मुश्किल हुआ उनको बुलाना, क्योंकि उनका कोई कोर्ट का मैटर था। तो मैंने उनको कहा डेंगू के विषय में आना है, तो उन्होंने बोला कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जाना है। तो मैंने कहलवाया कि भाई जब कोर्ट की तारीख आपकी हो जाए पूरी तब आ जाइएगा, आप समय बता दीजिए उस वक्त रख लेंगे। तो उनका जवाब आया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है बताना कि कोर्ट में कितनी देर में हम फ्री हो जाएंगे, तो ये बताना मुश्किल है। फिर हमने लिखा कि भाई जब आप फ्री हो जाएं तब बता दीजिएगा, मंत्री आपके लिए इंतज़ार करेंगे, जब फ्री हो जाए बता दीजिएगा। तो अंततः उन्होंने 2:30 बजे बताया कि अब हम फ्री हैं तो हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो 2:30 बजे बड़ी मुश्किल से वो मीटिंग हो पाई है। और उसके अंदर मैंने स्वास्थ्य सचिव को कहा है कि कई सारी चीज़ें जो मैंने कही थी उन्होंने पूरी नहीं की हैं। मसलन मैंने उनको कहा था कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पतलून पहने, मगर मेरी अपनी बेटी जो है हाफ शर्ट और जो है शॉर्ट्स में जा रही है। इसका मतलब स्कूल के अंदर अभी तक इस चीज़ के सर्कुलर नहीं गए हैं, या उनको इंश्योर करने के लिए दबाव नहीं डाला गया है। तो मैंने मुख्य सचिव को कहा है कि इन कामों के लिए DM SDM को भी लगाया जाए कि वो ये चीज़ इंश्योर करें। दूसरा, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मालखाने हैं, पुलिस विभाग के मालखाने हैं, वहाँ पे MCD ने कहा कि जनरली मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है। तो मैंने बोला इस काम के लिए भी DM और SDM को कहा जाए कि वो इसको इंश्योर करें, क्योंकि MCD वालों की कहाँ पुलिस वाले सुनेंगे, तो वो इंश्योर करें कि इस तरीके की जगह ब्रीडिंग ना हो। तीसरा, मैंने सचिव स्वास्थ्य विभाग को करीब 1 से 2 हफ्ते पहले ये डायरेक्शन दिए कि वो रोज़ एक अस्पताल के अंदर निरीक्षण करें और ये इंश्योर करें कि उस अस्पताल के अंदर डेंगू से संबंधित सारे इंतज़ाम हों। मुझे पता नहीं है कि वो अभी तक अस्पताल में गए हैं नहीं गए हैं, मगर अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा उनको लेके, क्योंकि फिर मुझे ही जाना पड़ेगा, तो फिर उसका भी इंतज़ाम करेंगे। मंकी पॉक्स को लेके हमें केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी आई थी, आई थिंक उसको 10-11 दिन हो गए हैं, और उसको हमने नीचे अपने स्वास्थ्य विभाग और सभी अस्पतालों को भेजा है। उसके अंदर कई सारी डायरेक्शंस हमने दी हैं ताकि दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके की बीमारी के बारे में कोई भी सूचना मिले तो सरकार उसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई करे, और हम लोग बाकी राज्यों की तरह उसकी तैयारी रखें। तो इसके जो है निर्देश हमारे विभाग से करीब 10 दिन पहले गए हुए हैं नीचे। और कुछ ये भी निर्देश दिए हैं कि डेंगू को लेके रेडियो जिंगल जो है वो शुरू हो जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को आदेश दिए हुए, मगर शुरू नहीं हो रही है। अखबारों के अंदर एक बार ऐड गई है क्वार्टर पेज की, मैंने बोला है उसको हर हफ्ते रिपीट भी किया जाए। बस स्टैंड्स पे और अन्य जो जगह हैं वहाँ पे भी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। मेट्रो स्टेशंस के अंदर जो मेट्रो बस मेट्रो की जो ट्रेन के अंदर जो 10 सेकंड की जो ऑडियो चलती है उसके अंदर भी हमने मेट्रो से बात की है कि डेंगू को लेके जो है वो वार्निंग जो है ऑडियो अनाउंसमेंट के अंदर डाली जाए। जितने बस स्टैंड्स हैं और जितनी भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर दिल्ली पुलिस की ऑडियो चलती है उसके अंदर भी हमने उनसे बात की कि उसमें भी डेंगू की अनाउंसमेंट चले। डेंगू से बचने का एक ही तरीका है कि डेंगू को लेके लोगों के मन में अवेयरनेस हो, लोग पानी इकट्ठा ना होने दें। अभी तक डेंगू के जो हम लोगों ने स्ट्रेन डिटेक्ट किए हैं वो जनरली अभी तक जनरली जो है Type 2 का ही आया है, जो बहुत सीरियस नहीं होता है। तो उस लिहाज से जो है थोड़ा सा अच्छी खबर है, मगर हमने ये भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को हम लोग लैब में भेजें ताकि उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग हम लगातार करते रहें, कि अगर कोई और जीनोम आए जो थोड़ा खतरे वाला हो तो उसके लिए भी सरकार अपनी तैयारियां रखे।